ज्ञान करेंगे मौज जमाने में, कसर कोई छोटू ना कसर। फ्रेंड अभी आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए एक लड़की डांस कर रही है और वो वीडियो गाइस काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं उस लड़की को, उस डांस को, उस वीडियो को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये लड़की गाइस कौन है ये मैं आप लोग को सही वीडियो में बताऊंगा। और भाई ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा ये वाली वीडियो वायरल क्यों हो रही है, ये भी मैं आप लोग को सही वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा भाई इस लड़की ने अभी तक करोड़ों रुपया कमा लिया, कितना करोड़ों रुपया कमा लिया, कितना लाखों रुपया कमा लिया, ये भी मैं आप लोग को सही वीडियो में बताऊंगा कितना रुपया कमा लिया। साथ ही ये भी बताऊंगा भाई बॉलीवुड तक ये लड़की कैसे पहुंची। जी हां फ्रेंड आप लोग को नहीं पता होगा भाई ये लड़की भाई 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इतनी फेमस हुई कि अब जाकर ये बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। तो सभी कुछ इस वीडियो में इस लड़की के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो भाई कौन लड़की, क्या नाम है, कितना रुपया कमाया, बॉलीवुड तक कैसे पहुंची, सभी कुछ जानने के लिए फटाक से वीडियो को कर दो लाइक एंड कर, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रख लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लो कि ब्लैक कलर में जो साड़ी पहने जी लड़की जो डांस कर रही है, जी डांस की वीडियो जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, इस लड़की का नाम क्या है, नाम पहले जान लो। इस लड़की का नाम है वंशिका। जी हाँ फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे बंदे जानते भी होंगे और बहुत सारे बंदे अभी नहीं जानते तो वो लोग भी जान लो, इस लड़की का नाम है वंशिका। और गाइस ये मैं बता दूं जी लड़की बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से है, मतलब कि गरीब घर से है, जो कि आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख भी पा रहे। जी हाँ फ्रेंड यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख पा रहे भाई ये घर जो आप लोग को दिख रहा है थोड़ा सा गरीब टाइप का जो आप लोग घर देख पा रहे हो, ये घर वंशिका का ही है, जो कि यहाँ पर वंशिका भी आप लोग को दिख रही होगी खड़ी हुई। और अभी चलिए ये भी बात कर लेते हैं भाई ये इसकी जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ब्लैक कलर की साड़ी पहने वंशिका डांस कर रही है, ये वीडियो वायरल कैसे हो रही है और भाई ये वायरल हो रही तो इससे रुपया कितना कमाया है वंशिका ने वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो गाइस ये वीडियो जब वंशिका ने बनाई थी, गाइस यहाँ पर मैं बता दूं वंशिका ने ये वीडियो 1 साल पहले बनाई थी, जो कि वंशिका ने खुद ये बात को कहा है, और 1 साल के बाद ये वीडियो वायरल हुई है। आज जाकर 3-4 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुई है, अब जाकर ये वायरल हुई है और इस बात को ने खुद कहा है। बनाया था कितने समय पहले, लगभग 1 साल हो चुकी। तो अब जी 1 साल के बाद ये वीडियो कैसे वायरल हुई ये बात भी वंशिका ने खुद बोली थी कि जो ये वीडियो है मतलब कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, वीडियो उन्होंने शूट कर ली थी, ऐसे डांस करा था और अपने पर्सनल डांस देखने के लिए ही वीडियो बनाई थी। जैसे नॉर्मल बहुत सारे बंदे होते हैं कि डांस करते हैं और अपने फोन में ही वीडियो रखते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बाद में देखते हैं कि हाँ मैंने डांस किया था। उसी तरीके से वंशिका ने भी डांस किया था, अपनी वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की थी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वीडियो काफी ज्यादा ओल्ड थी, 1 साल पहले की ये वीडियो है, लेकिन किसी ने वंशिका के फोन से वो वीडियो लेकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड हो गई और भाई वो वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गई, क्योंकि भाई वंशिका ने जो डांस किया था गाइस डांस जो था मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा डांस किया था, जो कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। इसी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई और 1 साल के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई जब जाकर वंशिका को पता चला कि भाई सोशल मीडिया पे वंशिका काफी ज्यादा फेमस हो रही है, तो वंशिका को काफी ज्यादा अच्छा भी लगा, वंशिका ने ये बात खुद कही। तब ये वीडियो वायरल हुआ 6-7 दिन बाद आपको पता चला तो कैसा लगा आपको? लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि भाई वंशिका इतनी ज्यादा फेमस होने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। जी हाँ फ्रेंड आप लोग सही सुन रहे होगे, अभी आप लोग सोच रहे होगे भाई करोड़ों रुपया कमाने की बात हो रही थी, यहाँ पर वंशिका ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो भाई इसका रीजन ये है सिर्फ और सिर्फ कि वंशिका फेमस हो रही थी लेकिन वंशिका को खुद नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, जब जाकर उनको पता चला उनकी वीडियो वायरल हो रही तब तक पता चल पाया कि भाई बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाकर, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी वीडियो पर भी भाई आएगा पैसा मुझे मिलेगा, इसी तरीके से गाइस बहुत सारे बंदों ने वंशिका के ऊपर वीडियो बनाई है, लाखों में व्यूज आया है, मिलियन में व्यूज आया है, तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने क्या है लाखों करोड़ों रुपया कमाया है वंशिका की वीडियो से, बट वंशिका को 1 रुपया भी नहीं मिल पाया। कहने का मतलब है वंशिका को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट उनको नहीं मिल पाया, जो क्रेडिट है वो किसी और ने ले लिया जी। तो इसको ही देखते हुए गाइस सबसे पहले आप लोग का फर्ज बनता है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वंशिका की जो गरीबी हालात हैं, जो उनकी गरीबी की जो मजबूरी है, जो उनको उनका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, वो सभी तक को जो है पता चल पाए भाई कौन असली वंशिका है। वंशिका इतनी फेमस होने के बाद भी वंशिका को कुछ रुपया नहीं मिल पा रहा है भाई, ये सभी कुछ सबको पता चलना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई सबके अपने फ्रेंड तक जो वीडियो को शेयर कर दो, सबको बता दो भाई असली वंशिका कौन है। और लास्ट में बात करेंगे भाई वंशिका जो है बॉलीवुड तक ऐसे पहुंच सकती हैं। जी फ्रेंड अभी आप लोगों को पता होगा क्योंकि जब भी कोई फेमस आदमी होता है तो भाई उसका सपना होता है कि भाई वो भी बॉलीवुड में तक पहुंचे। तो वंशिका से जब जो वाली बात पूछी गई कि जब आप इतना फेमस हो गए तो आप बॉलीवुड में जाना चाहोगे नहीं जाना चाहोगे, तो वंशिका ने क्या बोला जी आप यहां पर सुन सकते हो। मौका मिलता है तो फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि वंशिका बॉलीवुड में जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है, क्योंकि वंशिका चाहती है वो उनके जो माँ बाप है गरीब है उनका जो है सपना पूरा करना है अपने माँ बाप के लिए, वो बॉलीवुड
हॉलीवुड में जाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये वंशिका है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब फैमिली से हैं, जो कि अब काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं, काफी ज्यादा वायरल हो चुकी हैं। तो इनकी सपोर्ट के लिए गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना ताकि वंशिका को उनका जो क्रेडिट है उनको मिल पाए। और भाई अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।